friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is grammar topic WH type question. So students, इस वीडियो में हम देखने वाले आपके textual questions on page number. तो ये total 11 questions है, लेकिन ये 11 questions solve करने से पहले हमें WH question क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. वैसे तो ये बहुत ज्यादा difficult topic नहीं है, चलिए देखते. तो इन्हें WH questions क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें WH words द्वारा पूछा जाता है, जैसे what, whom, whom, by whom, why, where, when, which, whose, how, how many, how much. तो ये सारे के सारे WH words. तो एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है और उसी के ऊपर कमांड आती है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, ही वॉज सिंगिंग द सॉन्ग. तो बच्चों यहाँ पे द सॉन्ग को अंडरलाइन दिया गया है. तो ऑर्डर इस तरह रहती है, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर. तो अंडरलाइन पार्ट आंसर आना चाहिए, ऐसा WH टाइप क्वेश्चन हमें बनाना है. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का पता होना बहुत जरूरी है. इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एम इज आर, वॉज वर, हैव एज एट, डू डज दिस, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड. वैसे इन्हें याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो इसके ऊपर एक सॉन्ग बनाया गया है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो. ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए. तो चलिए देखते हैं इसके रूल्स के किस तरह WH टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. तो देखते पहला रूल. तो बच्चों अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन रहती है तो आपको सवाल हु से या व्हाट से पूछना चाहिए. तो हु का इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए किया जाता है, वही व्हाट का इस्तेमाल थिंग्स के लिए किया जाता है. तो सब्जेक्ट बच्चों मोस्टली सेंटेंस का पहला पार्ट रहता है, वर्ब से पहले उसे ही कहा जाता है सब्जेक्ट. तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे WH के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? तो फॉर्मूला तो है बच्चों, लेकिन ये फर्स्ट रूल पे लागू नहीं होता. अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन है तो बस आपको व्हाट या हु का इस्तेमाल करना है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज लिख देना है और लास्ट में लिख देना है क्वेश्चन मार्क. तो देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस. पहला सेंटेंस है, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे बच्चों अंडरलाइन दिख रही है आपको योर ड्रेस, और ये इससे पहले आया है, मतलब ये सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे बच्चों हम व्हाट से सवाल कर सकते हैं, व्हाट इज ब्यूटीफुल, और ये बन गया हमारा सवाल. अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द केक विल बी बेक्ड बाय हर. तो यहाँ पे बच्चों द केक को अंडरलाइन है तो सीधा हम व्हाट से सवाल करेंगे, व्हाट विल बी बेक्ड बाय हर. थर्ड क्वेश्चन देखते बच्चों, दे हैव बिल्ट अ न्यू प्लेग्राउंड. तो उन्होंने मतलब कोई तो इंसान है, तो इसके लिए दे की जगह पे बच्चों आएगा हु हैव बिल्ट ए न्यू प्लेग्राउंड. एंडिंग में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है आपको. चौथा सेंटेंस देखते हैं, द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट. तो बच्चों यहाँ पे भी क्लियरली अंडरलाइन दिख रहे सब्जेक्ट को, और ये है पीपल और ह्यूमन, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे हु वर गोइंग टू द मार्केट. तो पहला रूल बहुत ज्यादा इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ. और सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन नहीं, मतलब किसको होगी फिर? सब्जेक्ट छोड़ के किसी और पार्ट को अगर वहां पे अंडरलाइन है, तब हमें वहां पे देखना चाहिए कि उस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है या नहीं आया है. तो ऑक्सिलरी वर्ब हमने ऊपर देख लिया, एम इज आर, वॉज वेयर, हैव एज एट, डू डज डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट. अगर उस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो फिर हमें परफेक्ट WH वर्ड लेके फिर क्वेश्चन बनाना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये फॉलोइंग फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. कौन सा? पहला हमें लिखना चाहिए सूटेबल WH वर्ड, फिर उस सेंटेंस में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आया है वो WH वर्ड के बाद लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर सेंटेंस में जो मेन वर्ब आया है उसे लिखेंगे, और फिर अगर कोई पार्ट बचता है जैसे ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट है तो वो लिख के फिर एंड में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क. तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट ही करके रखिए बच्चों. तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला सेंटेंस, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल. यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरलाइन नहीं है, यस ब्यूटीफुल को है, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखेगा ऑक्सिलरी वर्ब. तो यहाँ पे मतलब निकलता है आपका ड्रेस कैसा है, ब्यूटीफुल. तो कैसे के लिए हम लेंगे हाउ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे इज, और बाद में बचा योर ड्रेस वो लिख देंगे, बाकी कुछ था नहीं तो सीधा लिख देंगे क्वेश्चन मार्क.
क्वेश्चन आया हाउ इज योर ड्रेस। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं बच्चों, ही विल कम एट 5 PM। यहाँ पे अंडरलाइन है एट 5 PM को, और यहाँ पे विल ऑक्सिलरी वर्ब भी है। तो ये टाइम दिखा रहे बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे वेन, फिर लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और जो मेन वर्ब बचा था कम, वो लिख के एंड में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, वेन विल ही कम। तो यही पे बच्चों आपकी गलती हो सकती है कि शायद आप पहला सब्जेक्ट लिख दोगे और फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा नहीं, पहला ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, बाद में सब्जेक्ट लिखना है। थर्ड सेंटेंस, दे हैव बिल्ट अ न्यू प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे अ न्यू प्लेग्राउंड को अंडरलाइन है, और यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। तो उन्होंने क्या बनाया है, एक नया प्लेग्राउंड। तो क्या के लिए आएगा व्हाट, उसके तुरंत बाद लिख देंगे ऑक्सिलरी वर्ब हैव, सब्जेक्ट था दे लिख दिया, और मेन वर्ब था बिल्ट, और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, इसके बाद तुरंत लिख दिया हमने क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव दे बिल्ट, अ न्यू प्लेग्राउंड। चौथा सेंटेंस देखिए बच्चों, शी हैड फेड देम। तो यहाँ पे देम को अंडरलाइन हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड सूट करता है, उसने किसको खाना खिलाया, किसको के लिए आएगा बच्चों हुम, फिर आएगा सपोर्टिंग वर्ब हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट शी, और फिर लिखेंगे मेन वर्ब, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही बच्चों और चार सेंटेंसेस आपको यहाँ पे सॉल्व किए हुए नजर आ जाएंगे, आप देख लेना ही नहीं। तो बच्चों ये रूल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो तीसरा रूल भी ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, यहाँ पे भी सब्जेक्ट को अंडरलाइन नहीं होगी, किसी और पार्ट को होगी। तो यहाँ पे भी आपको पहले देखना है कि क्या सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं। तो सेकेंड रूल में तो ऑक्सिलरी वर्ब था, लेकिन थर्ड रूल में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं मिला, तो फिर आपको उस सेंटेंस में ढूंढना है पहले तो मेन वर्ब, मतलब जो सब्जेक्ट के बाजू में आया है, और फिर उस मेन वर्ब के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है डू, डज, डिड। जैसे कि अगर मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको इस्तेमाल करना है डू, अगर वर्ब को लगाए एस या ई एस तो आपको इस्तेमाल करना है वहां पे डज, और अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में आया है तो आपको वहां पे इस्तेमाल करना है डिड। बाकी डब्ल्यू एच क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको वही इस्तेमाल करना है, पहला डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी वर्ब वहां पे दिया होगा उस वर्ब का आपको लिखना है फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसका एस सी एस फॉर्म भी निकालना पड़ेगा, और उसका अगर सेकेंड फॉर्म दिया है तो भी उसे आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और फिर अगर कुछ बचा हुआ अगर होगा ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट, वो लिख के फिर आपको देना है क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों सेंटेंसेस, दे कम फ्रॉम टिटवाला, शी हेल्प द पुअर, ही लाइक्स पिज्जा, कविता गोज टू स्कूल बाय बस। अगर बच्चों चारों सेंटेंसेस देखते हो तो चारों के चारों सेंटेंसेस में अंडरलाइन जो है वो सब्जेक्ट को नहीं, दूसरा यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है बच्चों, am, is, are, was, were, have, as, had, do, does, did, shall, will, should, would, may, might, must, can, could, कुछ भी नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेन वर्ब कौन से है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में आया है कम, तो इसके लिए बच्चों हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए डू। दूसरे सेंटेंस में दिख रहा है लाइक्स, यहाँ पे एस लगा, इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डज। थर्ड सेंटेंस में दिख रहा है बच्चों हेल्प्ड, ईडी पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिड। और चौथे सेंटेंस में बच्चों एक गोज, तो यहाँ पे गो को लगाया है ईएस, तो इसके लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे डज। चलिए देखते आंसर क्या है, दे कम फ्रॉम टिटवाला, वो कहाँ से आ रहे, टिटवाला से, तो वेर आएगा वेर, ऑक्सिलरी वर्ब डू हमने लिया, कम था मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिया हमने सब्जेक्ट दे, और फिर हमने कम का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा कम, एंड फ्रॉम एज इट इज लिख के हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, वेर डू दे कम फ्रॉम। सेकेंड सेंटेंस, ही लाइक्स पिज्जा, उसे क्या पसंद है, पिज्जा, तो क्या के लिए आएगा व्हाट, सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे हमने लिया यहाँ पे डज, फिर सब्जेक्ट लिया ही, फिर लाइक का एस हटा के बेसिक फॉर्म हमने लिखा लाइक, एंड में लिख दिया क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस है बच्चों शी हेल्प द पुअर, तो उसने गरीबों की मदद की, किसकी, तो किसके लिए आएगा हुम, सपोर्टिंग वर्ब आएगा डिड, सब्जेक्ट था शी, और हेल्प का ईडी फॉर्म निकाल के हम लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों बचा है चौथा सेंटेंस, कविता गोज टू स्कूल बाय बस,
कविता किस तरह स्कूल में जाती है? बस में जाती है। तो इसके लिए आएगा हाउ, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डज, फिर आएगा कविता सब्जेक्ट, फिर गोज का ईएस हटा के बेसिक फॉर्म में लिखेंगे गो, और फिर जो बचा हुआ पार्ट था टू स्कूल लिख के क्वेश्चन मार्क लिख देंगे हाउ डज कविता गो टू स्कूल। तो बस बच्चों इन तीन ही रूल्स का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करने हैं सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए अब बढ़ते आपके टेक्सुअल क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सवाल पहले पढ़ लेते हैं, फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द आंसर्स अंडरलाइन बिलो। तो सवाल तो बच्चों वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा गया इन ब्रैकेट, चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस टू सेकेंड पर्सन वेन नेसेसरी। मतलब फर्स्ट पर्सन अगर देखोगे तो चार सेंटेंसेस में आया है आई, तो इसे हमें चेंज करके सेकेंड पर्सन में कन्वर्ट करना है, मतलब यू में कन्वर्ट करना है, और फिर हमें आंसर लिखना है। तो चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, अब बढ़ते हमारे सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस, आई हरीड बैक टू द रूम। पहला तो यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरलाइन नहीं है, तो पहला रूल नहीं आएगा। दूसरा, क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं दिख रहा, तो दूसरा रूल भी नहीं आएगा। सीधा आएगा तीसरा रूल, तो तीसरे रूल में हमें फोकस करना है मेन वर्ब की तरफ, और मेन वर्ब है हरीड। तो पहला तो हमें टू द रूम के लिए लिखेंगे, जगह बताएंगे, तो इसके लिए आएगा वेयर। हर्ड पास्ट में दिख रहा है, इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डिड। आई बदलने के लिए कहा है, चेंज करने के लिए कहा है, इसके लिए हम लिखेंगे यू। फिर हरिड का बेसिक फॉर्म लिखेंगे हरी, और एक ही वर्ड बचा था बैक। फिर आंसर आया वेयर डिड यू हरी बैक, आप जल्दबाजी में कहां पे गए, एंड में क्वेश्चन मार्क। दूसरा, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। तो देखते पहला रूल कौन सा आएगा, अंडरलाइन सब्जेक्ट को तो नहीं है, तो फर्स्ट नहीं आएगा। देखते क्या इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, तो बच्चों यहां पे आएगा सेकेंड रूल। और ऑफ मेंस फेसेस के लिए बच्चों परफेक्ट वर्ड है व्हाट, तो व्हाट के बाद हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब हैड, आई बदलेगा यू में, इसमें हमें वर्ब नहीं बदलना है, एज इट इज लिखना है मेड, बचा था अ स्टडी, और लास्ट में लिख दिया क्वेश्चन मार्क। What had you made a study? आपने किसकी पढ़ाई की थी? Of men's faces. थर्ड देखते बच्चों, See, I drew them out without a sound. यहाँ पे भी बच्चों थर्ड रूल ही अप्लाई होगा, ना तो अंडरलाइन सब्जेक्ट को है, ना तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर बच्चों ये थर्ड रूल है, तो हमें फोकस करना है वर्ब के ऊपर, तो वर्ब है बच्चों drew, पास्ट फॉर्म में draw, drew, drawn. तो विदाउट ए साउंड के लिए तो आएगा हाउ, कैसे निकाला हाउ, और फिर सपोर्टिंग वर्ब में हम लेंगे डिड, फिर आई कन्वर्ट होगा यू में, ड्रू का बेसिक फॉर्म है बच्चों ड्रॉ, और बचा हुआ पार्ट था देम आउट। फिर क्वेश्चन आएगा हाउ डिड यू ड्रॉ देम आउट, आपने उसे किस तरह बाहर निकाला। अब चौथा सेंटेंस है बच्चों, डी द पुअर मैन शोर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट को अंडरलाइन है, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, सब्जेक्ट कौन है, इंसान है, तो हु से सवाल करेंगे बच्चों, हु शोर एक्सेप्टेंस क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा सवाल। अब बढ़ते ई की तरफ, आई मेट ही इन द मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पे भी आएगा थर्ड रूल, तो इन द मॉर्निंग के लिए हम लेंगे बच्चों वेन, मेड पास्ट फॉर्म में था इसके लिए हमने लिया डिड, आई की जगह ली यू ने, मेड की जगह लिया मेक, और एज इट इज लिख दिया टी को, एंड में क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड यू मेक टी, आपने चाय कब बनाई। अब बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 189। तो यहाँ पे भी सवाल देख लेते हैं, फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द आंसर्स अंडरलाइन बिलो। सेम सवाल है बच्चों, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स स्निफल्स एंड स्माइल्स। तो लाइफ किसकी बनी थी, तो किसके लिए आएगा बच्चों व्हाट। तो यहाँ पे बच्चों इज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके लिए व्हाट इज, फिर आएगा सब्जेक्ट लाइफ, फिर बचा हुआ मेड अप ऑफ, और लिख दिया क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंड है, मेनी हैपियर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। ये बच्चों थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो सब्जेक्ट को ही, तो आप कहोगे आपने तो कहा था सर के स्टार्टिंग का पार्ट सब्जेक्ट ही रहता है, तो कभी कभी बच्चों सब्जेक्ट से पहले भी कुछ ऐसी फ्रेज आ सकती है जो सब्जेक्ट नहीं रहती। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हैड स्पेंट वर्ब था, उससे पहले जो शी था वो सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन है, तो आपको पता है पहला रूल हु और व्हाट का इस्तेमाल करना है, इंसान है तो हु,
मेनी अपियर हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग फॉर हिम, और लास्ट में लिख दिया क्वेश्चन मार्क। थर्ड, हर हेयर रीच बिलो हर नी, तो ये सेंटेंस बच्चों थर्ड रूल का है, बिलो हर नी जगह दिखा रहा है, इसके लिए आएगा वेयर, रीच वर्ब का पास्ट फॉर्म इसके लिए लिख देंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हर हेयर, और फिर रीच का बेसिक फॉर्म रीच, वेयर डिड हर हेयर रीच बिलो हर नी। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं बच्चों, शी वॉज रैंजैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, तो वो स्टोर्स क्यों ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे जिम का प्रेजेंट चाहिए था, तो क्योंकि के लिए आएगा वाई, इसमें बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके लिए आएगा सेकेंड रूल में वॉज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब एज इट इज रैंजैकिंग, और फिर जो एक्स्ट्रा था ऑब्जेक्ट द स्टोर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज शी रैंजैकिंग द स्टोर्स। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ सेंटेंस, एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, सब्जेक्ट यहाँ पे द कॉफी, तो अंडरलाइन पार्ट दिखा रहा है टाइम, तो इसके लिए हम लेंगे वेन, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब वॉज, और उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट द कॉफी, और उसके बाद वर्ब मेड, और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, वेन वॉज द कॉफी मेड, एट 7 o'clock। अब लास्ट है बच्चों, द मेजाई वर वाइज मैन, तो मेजाई कैसे इंसान थे, होशियार इंसान थे, तो यहाँ पे दो सवाल आ सकते हैं बच्चों, हु से भी सवाल कर सकते हो, व्हाट से भी सवाल कर सकते हो, पहला लिखना है आपको हु, उसके बाद लिखना है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी दिया है वेयर, और पहला जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आएगा द मेजाई, तो हु और द मेजाई या फिर व्हाट वेयर द मेजाई। तो बच्चों यहाँ पे हमने टॉपिक कंप्लीट किया WH क्वेश्चन बाय सॉल्विंग टेक्सुअल क्वेश्चंस आल्सो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।